हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर ये तो पुराने वाले ब्लॉग मतलब पुराने वाले चैनल का है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। देखिए ये उस पर हमला कर, अभी ये निकाल के रखा है इधर छोटा छोटा, तो मैंने बोला यार अभी इधर बैठना पड़ेगा क्योंकि ये बत्तख मुर्गियाँ मुँह मारेंगी अभी इस पर। चले चलो चले, मैं आपको दिखा दूँ। पहले पिछले वीडियो में आपने देखा होगा बहुत गाढ़ा था ये, अभी देखें बहुत पतला हो गया है, क्योंकि इसमें चार पाँच छः यखनी के वो दल गए हैं, बड़े वाले जग होते हैं ना, जंबो जंबो वाले जंबो जग जो कहलाते हैं ना, वो छः जग डाले हैं अभी इसमें यखनी के, मतलब के टखनों के और पाए के वो डाले हैं इसमें, और तकरीबन इसमें से थोड़ा बहुत निकलेगा मुर्गी के लिए जो मुर्गी डलेगी जिसमें, तो बाकी तो अभी तक तो ये बना है और यखनी डाल दी अभी, और अभी तो बंद करा हुआ है क्योंकि गोटा वोटा अभी नहीं लगा रहे, अभी मज़ीद और डलेगी यखनी, फिर उसके बाद डलेगा गोश्त। तो तकरीबन मुझे तो निगरानी करनी है इसके लिए, इसकी बस और कुछ नहीं करना मुझे। बाकी कबूतर मज़े से हैं, आज पूरा दिन खुले रहे हैं, खुद ही अंदर जा रहे थे, खुद ही बाहर जा रहे थे। चलें फिर मैं मिलता हूँ वापसी आपको, चलें यहाँ से फिर मैं शुरू करता हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग आगे की। तो मैंने वीडियो में ही आपने वॉइस सुना होगा, तो अब भी देख सकते हैं कि चाचू गोटा लगा रहे थे, फिर मैं नीचे चले गया था, एक मतलब मकनी जो डालनी थी वो लेने चला गया था मैं, हाँ है नीचे, तो इसलिए ये आप बाकी जो आप देखेंगे वो खसन की होगी। फुटेज एक छोटी सी बना ली थी मैंने, छोटी सी फुटेज मैंने बनाई थी, ये देख सकते हैं आप। तो पीछे से आवाज़ें तो आ रही होंगी कि वहाँ से आवाज़ पीछे की हल्की मैंने करी नहीं है, तेज़ आवाज़ है। तो कौरमा दल्ला तो उसकी मैंने फुटेज बना ली थी, क्योंकि ज़्यादा मैंने जब कज़न वज़न आ गए थे ना, तो ज़्यादा मैंने मोबाइल हाथ में नहीं था क्योंकि लगा हुआ था मैं कामों में, तो इस वजह से गोटा वोटा लगाने में लगे हुए थे, क्योंकि मशीन वाला तो काम होता नहीं घर में हमारे, क्योंकि मशीन का मज़ा तो किसी को भी नहीं आता, हमें ख़ास तौर पर हम जैसों को तो मशीन का मज़ा नहीं आता, तो गोटा का चलता है बस। चलाओ तो फिर अब गुटाई होगी, ये कज़न को दे दिया था, कज़न लगा रहा था कट, गुटाई हो रही थी, फिर इसके बाद मैं यखनी लेने चले आऊँगा थोड़ी देर में, तो फिर रात की फुटेज मिलेगी आपको। चले रात हो गई है, तो रात में मेरा बड़ा गज़न आ गया था, सबसे बड़ा जो है वो उसे लगाने स्टार्ट कर दिया था, सामने भाई खड़ा हुआ मेरा बड़ा भाई। माशाल्लाह रंग भी आ गया, हाँ भैया ये खड़ा हुआ है, फिर मतलब इसके बाद पहुँच गया था, फिर थोड़ा बहुत काम में लग गया था, फिर मैच मैंने कोशिश करी है सारे कज़नों को एक एक बार गोटा लगाते हुए दिखाने की, तो वो आगे मिलते रहेंगे आपको, सारे कज़न मैंने दिखाने की कोशिश करी है। सारे पप्पा बैठे हुए थे, पप्पा सारे देखो ये मनी शक्लें, ये मुंह छुपाते हुए कज़न, और हलीम दिखा रहा था कितना पतला हो गया, कटाई हो गई ठीक कर ही था, और कटाई लगा रहे हल्के हल्के माशाल्लाह। फिर इसके बाद मैच आ रहा था, मैच कौन मैच चल रहा है, मैच में लग गए थे, देखो मात भाई मैच खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, सारे छोटे बड़े मैच खेल रहे हैं, इधर बैठ के इधर नेट आ रहा था, इधर देख रहे थे। तो फिर मैंने छोटी सी फुटेज दिखाई, फिर मैंने लेके जाने वो सामान लेके जाने का, इसलिए बच्चे का यार उसको सामान लेके जमीन, तो इसलिए ऊँचे जाओ मिलात में, चलो बेटा। तो फिर ये वही गजन आ गया वापस, जो कोरमा लेकर आ रहा था, थोड़ा ब्लर हर बार मैंने ये था कि ब्लर आ रही है वीडियो, तो थोड़ी बहुत ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगी। बाकी बाबा कज़न फिर
पप्पा और कज़न बैठे हुए थे, बाबा पप्पा चाचू कज़न सारे लड़के वड़के सब आए हुए थे, दोस्त यार आए हुए थे, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सका था एंड में। अब देखें, अब मेरी भी शक्ल आएगी और कज़न की भी आएगी बूदा निकालते हुए फुटेज। ये मैं आ गया, हाथ आस्तीन ऊपर करके मैं आ गया था कि ना बूदा निकाल लेते, फिर ये हड्डियाँ जो रखी हुई थी ना उबालने के लिए यखनी जिसकी बना रहे थे, तो वो चीज़ें ये यखनी हड्डियों की निकली थी, अब इनका बूदा निकाल के आपको आगे वीडियो में दिखेगा भी डालते हुए खाने में डालते हुए। कितनी घुल गई थी कि मैंने हड्डी उठा के लेकर आया हूँ, रखा है दो अलग हो गई हड्डी, फिर इसमें तो बूदा निकाल रहा था। छोटी सी फुटेज मैंने निकालते हुए दिखाई थी, फिर आज करने दिखाई थी मैंने पेड़ में रोटे और बूदा की तो खाने में बढ़िया होते हैं। ये इसमें हलीम में दाल के खा रहे थे, इनका तो पानी तो वैसे सही तरीके से निचोड़ा हुआ था। पूरी वीडियो बनाई नहीं थी मैंने इसकी निकालते हुए कि बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, तो इस वजह से ना मैंने थोड़े मैंने क्लिप लिए हैं इसमें हर चीज़ के, तो वो क्या है तकरीबन चौथा पांचवा पार्ट बन जाता वरना इसका, चार पांच पार्ट बन रहे होते हैं, इसलिए मैंने लगा तीसरे पार्ट में ही ख़त्म कर दी मैंने। ये देखें इस तरीके से बूदा निकल रहा था, वो तो एक दिन पहले से स्टार्ट किए थे मैंने वीडियो, तो इस वजह से आज के दो पार्ट बने थे और कल के एक पार्ट बना था बस। कल भी एक छोटी सी फुटेज बनाई थी, वो मैंने सारी कोई ऐसी खास नहीं थी। देख सकते हैं कोटे भी लग रहा था, हाथ के हाथ निकाले भी रहे थे। आपको पीछे से फुटेज आ रही होगी पप्पाओं की और कज़नों की, तो आवाज़ आ रही होगी छोटी मतलब हल्की फुल्की, तो वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए थोड़े बहुत कज़न मेरा बड़ा कज़न जो है वो नरोटे निकाल रहा था, बस ये सारे उसमें से निकाल लिए थे नरोटे और वो बूदा निकाल लिया था। तो ये देख सकते हैं इसमें एक प्याले में बूदा था और इसमें नरोटे और हड्डियाँ थी कंटिन्यू कर रहे थे, तो ये देख सकते हैं आखिरी नली बची थी, तो मैंने चलिए ये भी निकाल के फारिग करूँ और दूसरा मतलब के जाऊँ खिलाने लोगों को। तकरीबन चौथी पाँचवीं दफ़ा और मैंने जब पप्पा ने ना सलाद बनाई थी लगती है ना बोटी वाली सलाद होती है, तो उससे मैंने और आसान हो गया था निकालना। अब इसमें से यह था कि कच्ची वच्ची में जो मतलब कच्ची के टुकड़े ना आते क्योंकि वो दांत में आ जाते हैं, दांत तोड़ देते हैं वो पाए के। ये लगा बहुत सी जगहों पे तो आवाज़ पीछे से लोग मेरे कज़न भी चिल्लाए तफरी कर रहे थे मेरे साथ और दोस्त यार भी तफरी कर रहे थे, तो वो भी आवाज़ इसमें इंक्लूड हो रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत से फाल मतलब के अल्फाज भी यूज़ हो रहे होंगे पूरे वीडियो में। वैसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो कर दिएगा, साथ साथ बेल आइकन जो दबा दिएगा और जो रिटर्न मतलब कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वीडियो बना मतलब ब्लॉगिंग का है, मतलब कज़नों के बीच में ब्लॉग बना रहा था, फर्स्ट ब्लॉग ऐसा बन रहा था जिसमें भीड़ हो मतलब सारे कज़न थे एक दोस्त यार थे, फर्स्ट ब्लॉग था मेरा था। ये थोड़ा कैमरा एंगल खराब था, ये देखने सारे कज़न लग गए थे चखने में खाने में पड़ी मुझे मुश्किल जम गई थी, खाते उसकी सब्जी मैंने बनाई मुझे मैंने भी खाया था वो लेकिन मैंने ये भोसड़ी वाले वही होते हैं कैमरामैन जो क्या नाम है शादी में सबकी वीडियो बना रहे थे खाते हुए। रन भी बोल रहा था तो बेटा ये नेट पे जाएगी, नेट पे जाएगी या यूट्यूब पे जाएगी, ट्विटर पे जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाएगी, वायरल होगी वायरल अल्हम्दुलिल्लाह सब खा के उठते हैं बैठ के खाना पूरा इधर बैठ के लड़को खिलाया था खाना, बस सब प्लेटें सब समेटी
बैठे हुए थे, तो फिर मैंने एक छोटी सी फुटेज बनाते दिखाता हूँ मैं। चलो नीचे आके भी थोड़ा सूरत हाल दिखें। चलो अल्लाह तेरा शुक्र मैंने भी खा लिया बहुत सामान ऊपर नीचे लेकर आना पड़ता है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खा के उठ चुके हैं। सी रैंडम वीडियो बनाकर बैठ के लड़को लाया था खाना चला के हुआ कोई काम, तो फिर मैंने कोई आगे की कोई वीडियो बनी नहीं खास तौर पर कम हो गया। अभी आके दिखाता हूँ मैं डबल डबल पार्टी। चलो नीचे आके भी थोड़ा एक्सरसाइज की वीडियो कैसी लगी है। चलो अल्लाह तेरा शुक्र आपने भी खा लीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाते रहेंगे तो ऐसी रैंडम बताइए।